हमारी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम यह है कि जो हम पढ़ते हैं उसका 15% भी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं होता। प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादातर हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को पैसों को कैसे मैनेज किया जाए उसका इतना नॉलेज नहीं होता, इसीलिए अमीर बनने की जगह पर हम गरीब बनते जाते हैं। तो आइए सीखते हैं रिच डैड पुअर डैड बुक से। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये बुक पूरे वर्ल्ड में 270 लाख से भी ज़्यादा बिक चुकी है। रॉबर्ट कियोसाकी के सेमिनार को अटेंड करने के लिए 35,000 से 31 लाख तक का चार्ज रहता है। ऑथर के दो फादर थे, एक उनके बायोलॉजिकल फादर थे और दूसरे उनके फ्रेंड माइक के फादर थे। अपने दोस्त माइक के फादर को वो अपने मुंह बोले पिता मानते थे। उनके पिता यानी कि पुअर डैड, उन्होंने 4 साल की पीएचडी 2 साल में कंप्लीट की थी। वहां पर उनके दोस्त के फादर यानी कि रिच डैड ने 8वीं क्लास भी पास नहीं की थी। पुअर डैड को फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। वहां पर रिच डैड हवाई के रिचेस्ट पर्सन में से एक थे। पुअर डैड पैसे को सभी प्रॉब्लम की जड़ मानते थे। वहां पर रिच डैड पैसों का ना होना सभी प्रॉब्लम की जड़ मानते थे। पुअर डैड कहते थे कि पढ़ो, डिग्री लो और सेफ एंड सिक्योर जॉब करो। वहां पर रिच डैड कहते थे कि कुछ ऐसा करो कि तुम दूसरों को अच्छी जॉब दे सको। रॉबर्ट के सामने एक बड़ा सवाल था कि दोनों फादर में से किसकी सुने, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों की सोच पूरी अलग थी। रॉबर्ट को एक एडवांटेज था कि उन्होंने दोनों फादर को अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और तरक्की करते हुए देखा था। ऑथर ने डिसाइड किया कि वो रिच डैड की सुनेंगे और मायामी फ्लोरिडा के अमीर आदमी बने, जहां पर पुअर डैड पूरी लाइफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते रहे। रूल नंबर 1, सही आदमी से सही चीज सीखना। ऑथर ने यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज को सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया है। एसेट्स वो जो आपकी जेब में पैसे लाकर दे, और लायबिलिटीज वो जो आपकी जेब में से पैसे लेकर जाए। दो दोस्त हैं, रवि और राज। दोनों ही सेम पोस्ट और सेम सैलरी पे काम करते हैं। रवि अपनी सैलरी में से कार, मोबाइल और बाइक जैसी लायबिलिटीज खरीदता है। वहां पर राज अपनी सैलरी में से पैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और अपनी स्किल बढ़ाने जैसे एसेट्स के लिए यूज करता है। देखते ही देखते 3 साल बाद राज ने अच्छी खासी सेविंग कर ली थी। वहां पर रवि फाइनेंशियल स्ट्रगल महसूस कर रहा था। लायबिलिटीज अमीर बनने में रुकावट पैदा करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें मोबाइल, कार, बाइक नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इनकम की मैक्सिमम परसेंटेज एसेट्स में इन्वेस्ट हो और मिनिमम परसेंटेज लायबिलिटीज में यूज़ होना चाहिए। रूल नंबर 2, आप कितने पैसे कमाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पैसे का क्या और कैसे यूज़ करते हो वो इम्पोर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि इनकम करने की प्रोसेस 2 तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम मतलब आप जो टाइम में काम कर रहे हो उसी टाइम की इनकम आपको होगी। आप जॉब पर जाओगे तब तक आपको इनकम होगी, आप छुट्टी पे हो या सो रहे हो तो आपको इनकम नहीं होगी। पैसिव इनकम, जहां पर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी आपकी इनकम होती रहेगी, आप सो भी रहे हो फिर भी आपकी इनकम होती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर रेंट पे दिया हुआ हाउस। पुअर और मिडिल क्लास के लोग एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, वो पैसे के लिए हार्डवर्क करते हैं। रिच लोग पैसिव इनकम पर काम करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।